और अब रुख करते हैं खबरों का विस्तार में। ज्यादा गुस्सा करने वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ऐसा सेंटर खुल गया है जहां आप अपनी भड़ास उतार सकते हैं। क्या है ऐसा खास, देखिए इस रिपोर्ट में। तोड़ फोड़, चिल्ला चोट या गुस्से को देखकर घबराइए मत। ये तस्वीर रियल हंगामे या बवाल की नहीं, बल्कि मन में गहरे कर गए गुस्से, फ्रस्ट्रेशन और कुंठा को निकालने की कवायद का हिस्सा है। अमूमन आपने घरों में किसी ना किसी को गुस्से में तोड़फोड़ करते, बर्तन फेंकते, मोबाइल पटकते तो जरूर देखा होगा। लोग जब गुस्से में होते हैं तब क्या क्या कर जाते हैं खुद उन्हें भी नहीं पता होता। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल इंदौर में एक ऐसा सेंटर खुला है जहां आप अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। चौंक गए ना आप? चौंकिए मत, ये हकीकत है। अगर आप गुस्से में हैं तो इंदौर के भड़ास सेंटर चले जाइए। यहां आकर आप अपने गुस्से के मुताबिक गिलास से लेकर टीवी, कंप्यूटर, जो चाहे वो तोड़ फोड़ सकते हैं। अब गुस्सा बीवी से हो या बॉस से, गर्लफ्रेंड पर भड़ास निकालनी हो या फिर बॉयफ्रेंड पर, सबका हिसाब यहाँ पूरा हो जाएगा। मैं जब ऑफिस से आती हूँ, जब हम हमारा घर का काम करके भी आते हैं, पूरे ट्रैफिक में चै चै पे पे पूरे सुनते हैं, फिर ऑफिस में भी आते हैं, 5-10 मिनट भी लेट हो जाता है तो फिर उसके लिए भी आपको सुनना पड़ता है। और अगर आप अपना 100% दे रहे हैं, उसके बाद भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किसी की कसर बाकी रह गई है। तो वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, हम भी एक इंसान है, तो ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं पे अपनी भड़ास निकालना चाहिए। और जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि हमारे इंदौर में एक ऐसा भड़ास कैफे खुला है, मैंने बिना कुछ सोचे समझे वहां पर सबसे पहले आने के बाद अपनी भड़ास यहां पर निकाली है। मेल से लेकर फीमेल सभी इस भड़ास हाउस में अलग अलग तरीके से अपना गुस्सा उतार रहे हैं, साथ ही अपनी भड़ास निकालने के बाद खुद रिलैक्स भी फील करते हैं। मैं अभी इतना रिलैक्स महसूस कर रही हूँ अपने आप में कि जिसने भी ये कैफे खुला है उसको सो थैंक्स है मेरी तरफ से, कि बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे जैसे लोगों की, हमारे जैसे एम्प्लॉय की भड़ास निकालने का या हमारी फ्रस्ट्रेशन निकालने का आपने एक ऐसा कैफे स्टार्ट किया है। घर, कॉलेज, गर्लफ्रेंड, मैं परेशान हो गया हूँ, सब चीजों से परेशान हो गया हूँ। मैं इतना पक चुका था ना हर चीजों से, मुझे गुस्सा निकालने का मौका नहीं मिलता था। मैं किस पे गुस्सा निकालूं, किसको मारूं, पूरी भड़ास मुझे मतलब भरी हुई थी मेरे मन में। भड़ास निकालने के लिए कैफे मालिक ने सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा है। इस भड़ास हाउस में गुस्सा उतारने के रेट भी अलग अलग हैं। कांच के गिलास के लिए 2 से 5 रुपए देने होंगे और कंप्यूटर, टीवी, वॉशिंग मशीन के लिए थोड़े ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। भाई अब जैसा गुस्सा वैसी कीमत। इस सिर से लेकर पैर तक हमने उनको सेफ्टी का पूरा एक ड्रेस दी हुई है, हेलमेट है, शूज है, ग्लव्स है और एक यूनिफॉर्म है। आप उसके बिना एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी हम भरवाते हैं, साथ साथ हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स का अरेंजमेंट भी है। आपने देखा होगा उसमें कंप्यूटर्स है, लैपटॉप है, घड़ी है, मोबाइल है, टेलीफोन है और क्रॉकरी होती है, लाइब्रेरी है, वहां पे सारा सामान है जिसको आप आसानी से जाके, चेयर्स है उनको आसानी से जाके तोड़ सकते हैं। शायद ही कोई हो जिसे गुस्सा नहीं आता हो, गुस्से में वो कभी तोड़फोड़ ना करता हो। ऐसे में मन के गुबार और भड़ास को निकालने, खुद को रिलैक्स महसूस करने के लिए इससे शानदार जगह और क्या हो सकती है। देखिए, जब मैं यहाँ पहुंचा था तब मेरी हालत बिल्कुल ऐसी थी, लेकिन अब यहाँ आने के बाद जब भड़ास उतारी मैंने तब मेरी स्थिति बिल्कुल ऐसी है। अब मैं काफी रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। इंदौर से कैमरा पर्सन विपिन शर्मा के साथ मैं हेमंत शर्मा, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।